ये है, इसको या तो ऐसे कर लूँ जैसे नाइट्रेट का निकालना था, पोटेशियम नाइट्रेट का 313 पे, तो 62/100 इंटू जितने ग्राम्स पूछ रहा है 31 ग्राम हो गया। या फिर ऐसे कर लूँ 62 है अपॉन इसकी पहले सॉलिबिलिटी निकाल लो, अपॉन 100 प्लस 62 मतलब मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक है, तो 3100/81 आ गया, कितना आ गया। फिर क्या करेंगे, ये आ गया सॉलिबिलिटी परसेंटेज इज इक्वल टू, अब हमें निकालना है एक्स आर यू अपॉन एक्स, अब हमें नहीं पता कितना है और सॉल्वेंट कितना है, अब 100 की जगह 50 हो गया है तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 50 प्लस एक्स इंटू 100। पहले 100 जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर इधर तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 31 होगा मल्टीप्लाई 50 प्लस एक्स से, 81 होगा एक्स से मल्टीप्लाई, तो क्या दे देगा 1550 प्लस 31x इज इक्वल टू 81, उधर जाके होगा 81x, बस फिर कर लेना 50x, तो 1550/50 31 आ गया, कितना आ गया। तो क्या किया हमने, पहले हमने परसेंटेज निकाल ली, जैसे मान लो 35 का निकालना होता तो 35/100 × 100 35% निकल जाता इज इक्वल टू, फिर होता मान लो x अपॉन, अब सॉल्यूशन है 50 तो 50 प्लस एक्स इंटू 100, पहले 100 जाके डिवाइड होता इज इक्वल टू x अपॉन 50 प्लस एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 35 50 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होता, दोनों से होता 35 50 से भी और x से भी और 100x से, फिर बस सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड है मतलब पर चल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब है रिटार्डेशन, इसका मतलब है अगर ऐसे जिगजैग है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, पर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड है और यूनिफॉर्म मोशन है। देखो स्पीड टाइम ग्राफ में इसका मतलब था एक्सेलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब है हम डिस्टेंस चल ही नहीं रहे हैं तो बॉडी इज एट रेस्ट। इसका क्या मतलब है कि हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यूनिफॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब हम चल ही नहीं रहे हैं तो बॉडी इज एट रेस्ट। स्पीड टाइम ग्राफ में इसका मतलब है हम कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हैं मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका क्या मतलब है बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है कि हम वापस आ रहे हैं बट ये यूनिफॉर्म मोशन है, हम एक ही स्पीड से चलते आ रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता स्पीड वेलोसिटी तो इसका मतलब होता एक्सेलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब है कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब है रिटार्डेशन है स्पीड कम हो रही है।